मुबत्तल हूं। यू डोंट हैव टू टेल इट बिफोर मी, मेरे सामने कहने की आवश्यकता। यू कैन बी वेरी बोल्ड बिफोर मी, ओके, मेरे सामने तो आप बड़े हियाव हो सकते हैं। वी गो बिफोर द लॉर्ड, लेकिन जब आप प्रभु के समक्ष जाते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्नॉलेज टू द लॉर्ड, लॉर्ड आई एम अ कावर्ड, और कितना अधिक आवश्यक हमारे लिए है कि प्रभु से हम कहें कि प्रभु मैं एक डरपोक, एक बुजदिल व्यक्ति हूं, एंड आई नीड योर हेल्प हियर, और यहां पर इस क्षेत्र में मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता। लॉर्ड आई फॉरगॉट द डे आई ओपनड माय माउथ एंड टोल्ड अबाउट यू टू समबडी, और मैं वो दिन ही भूल गया कि कब मैंने अपना मुंह खोला था और तेरे नाम की चर्चा किसी से की थी। इसका अंगीकार करें प्रभु, टेल हिम दैट दिस इज द वे यू आर, और कहें कि इस प्रकार से आप हैं। लॉर्ड आई नीड योर हेल्प, कि प्रभु मेरे को आपकी आवश्यकता है सहायता। मेनी टाइम्स यू गेव मी अपॉर्चुनिटी, यू पुट मी इन टू सर्कमस्टेंसेस, बट आई नेवर ओपन माई माउथ बिकॉज ऑफ फियर, और बहुत सी बार तूने मुझे सुंदर अवसर दिया, ऐसी परिस्थिति भी दी, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला इस डर के कारण। लॉर्ड फॉरगिव मी, प्रभु तू मुझे क्षमा, बट आई टर्न टू यू लॉर्ड, लेकिन मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। गिव मी द ग्रेस, मुझे तो अनुग्रह दे, एंड आई टेल यू, और मैं ये कहना चाहता हूं, लॉर्ड विल हेल्प यू, प्रभु आपकी सहायता करेगा। God doesn't want you to be enslaved to the spirit of fear in any form in your life. और प्रभु नहीं चाहता कि किसी भी रूप से, किसी तरह से, किसी कारण से उस भय की आत्मा के गुलाम, गुलामी में आप आ जाएं। You know, this spirit of fear can move from one area to another area and to another area in our life. और ये भय की आत्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे से तीसरे में और चौथे में हमारे जीवन so we are में very careful. तो हमें बहुत सावधान होना है। Acknowledge. इसको मानना लॉर्ड, और प्रभु से कहना, There is fear of things in my life, Lord. और चीजों का डर मेरे जीवन में है, future, मेरे भविष्य का, fear of what will happen. और क्या होने वाला If है उसका, this happens and then what? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? And if this and this happens, then what? और अगर ये और वो दोनों हो गए तो फिर क्या होगा? Then तीसरा भी हो जाएगा, फिर चौदह भी हो जाएगा। Isn't it true in your life? और क्या ये बात सच नहीं आपके? How the enemy enslaves you to the spirit of fear? From one he jumps to another, and from there to another. कि किस प्रकार से शत्रु आपको गुलाम बनाए हुए इस भय की आत्मा का? और एक क्षेत्र से yes. दूसरे में और तीसरे में और चौथे में And in all practicality saints, it's there we need to overcome in our lives. और पूरे अभ्यासिक रूप से ये वहां पर है, in that और हमें small area, प्राप्त करनी in that small area, उस छोटे another small area, दूसरे छोटे क्षेत्र में let's own up before the Lord. और इस बात Lord, को मान ले प्रभु के सामने. I'm fearful of my future. और मैं अपने I have the fear of this sickness. और इस बीमारी I have the fear of that. मेरे को उस चीज का डर है. One pain here. एक पीड़ा इधर है. It may be that. हो सकता है कि What? वो. That. Enemy. He knows those who are fearful, he will make you more fearful. और वो जानता है उनको जो डरपोक हैं, वो आपको और भी अधिक डराएगा। I am sharing this out of my life. और ये अपने जीवन से मैं कह रहा हूं सच्ची में। And I can assure you, God can deliver you as He has delivered me and is delivering me. और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा इससे, जैसे उसने मुझे भी छुटकारा दिया है। We need to accept and say, Lord, I am fearful of man. और लेकिन प्रभु के सामने इस बात In को हमें मानना है कि प्रभु इस क्षेत्र में मैं डरपोक हूं। And God will fill you. और परमेश्वर आपको भर देगा। His fresh word and ministration of the Spirit will come to you. और उसका ताजा वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई you know, आपके पास आएगी। Because it's God's promise where He says, "The hungry He will fill." क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जहां वो कहता है कि भूखों को वो तृप्त करेगा। Those who hunger and thirst shall be filled is his word. और उसका वचन है कि जो भूखे और प्यासे हैं उनको तृप्त किया yes. जाएगा। And I want to tell you, और मैं ये कहना चाहता हूं, take this word. इस वचन को ले लें। We will be tempted to fear far more in the days to come. आने वाले दिनों में now. और भी अधिक परीक्षा आएगी कि हम और भी डराए जाएंगे। We will be tempted to fear far more in the days to come than आने वाले दिनों में हमारी परीक्षा होगी कि हम डरें।
Therefore, इसलिए I would urge you in the love of the Lord. प्रभु के प्रेम में मैं विनती करता हूँ आपसे. To use every opportunity. के हर एक सुंदर अवसर का उपयोग. That we have now. जो हमारे पास अब है. To overcome fear of every kind. हर प्रकार के डर से को पर विजय प्राप्त करें. Amen. Now. अब. Take every opportunity that we have now to overcome fear of every kind. हर एक सुंदर अवसर को मौके को अपना लें कि अब हमने हर प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करनी है. Oh, may God deliver us today. परमेश्वर हमारा छुटकारा करे इस Amen. Let the word come in. और वचन आने दें. Let it come into your life. ये आपके जीवन में आने दें. A fresh ministration of His Spirit. उसकी आत्मा की सेवकाई जो ताजा हो. When we confess, it will come in. और जब हम अंगीकार करेंगे तो अवश्य आएगा. When we confess, there will be that input from the Lord into our lives. और जब हम अंगीकार करेंगे तो प्रभु की ओर से वो हमारे अंदर इस चीज को डालेगा. He will embolden you. A new, fresh boldness will come into that area of your life. और आपके जीवन के उस क्षेत्र में एक नया हियाव And you know that many areas. और बहुत से क्षेत्रों में we see that this fear is there. हम देखते हैं कि ये डर वहां पर उपस्थित है. And may the Lord help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे. प्रभु कहता है डरो नहीं. Fear not. डरो नहीं. Fear not. डरो नहीं. But that is the master weapon of the evil one. क्योंकि वो उस दुष्ट का सबसे प्रमुख शस्त्र. So let's take every opportunity that we have now to overcome fear. और हर एक सुंदर अवसर को हम ले लें कि अब हमने इस भय पर विजय प्राप्त करनी है. And as we open our hearts to the ministration of the Spirit and the Word, the love for the Lord, the love for His purpose, the love for His testimony will release us from all these. और जब अपने हृदय और जीवन को हम खोलेंगे तो उसकी गवाही का प्रेम, उसके वचन का प्रेम, प्रभु का प्रेम वो हमें डर. You know, so the Lord said here to the church in Smyrna and said, Fear none of these things which thou shalt suffer. और प्रभु ने स्मिरना के कलीसिया से कहा कि वो मुसीबत और संकट जो तुझ पर आएंगी उनसे डरना नहीं. Which thou shalt suffer. जिनमें से कि तू होकर गुजरेगा. So here we find which thou shalt suffer. The Lord knows what they are going to be. और प्रभु जानता है कि उनके सामने कौन सी चीज़ आने वाली. That is the tremendous, you know, kind of peace. और वो एक अद्भुत प्रकार की शांति है जो हमें प्राप्त होती है. That he knows कि वो जानता है we are going to suffer. कि हम किन चीजों में से गुजरेंगे. Amen. Can we say praise the Lord? और क्या हम praise the Lord कह सकते? Praise the Lord. Praise the Lord. Good. I need to do this sometimes, I think. All right, that got some of you inside. Now. The Lord says, fear not. And then he says immediately, those things which thou shalt suffer. Because he knows what they are going to suffer. और प्रभु कहता है कि डरो नहीं. और तत्काल ही वो कहता है उन चीजों में जो तुझ पर आने वाली हैं. और प्रभु जानता है कि कौन सी चीजें आने वाली हैं. Suffering according to my plan, my will. और दूसरे शब्दों में प्रभु कहता है कि वो संकट जो मेरे Saints, We must be open to the Lordship of Christ to suffer according to His plan or His will. और हमें तैयार होना चाहिए कि हम उन संकटों और दुखों में से गुजरें जो उसकी योजना में हमारे लिए हैं. And let me say that in the light of this sentence, और इस अभिव्यक्त के in the light of this statement, और ये अभिव्यक्त जो है बयान जो है इसके प्रकाश में. In the light of this declaration, और इस घोषणा के प्रकाश में, that we are to suffer according to His plan. कि उसकी योजना in the light of that, उसके प्रकाश में let me make another statement. दुखों में से God does not protect His faithful children from suffering. परमेश्वर अपने विश्वास योग्य बच्चों को मुसीबतों में बचाता नहीं. Yes. God does not protect His faithful children from suffering.
परमेश्वर अपने विश्वास योग्य बच्चों को मुसीबतों से बचाता नहीं बट ही लेट्स देम सफर अकॉर्डिंग टू हिज प्लान एंड विल और लेकिन वो उन्हें दुखों में से गुजारता है उसकी योजना और उसकी इच्छा के अनुसार नाउ व्हेन ही सेड टू द चर्च इन स्मिर्ना ही सेड फियर नॉट दोस थिंग्स व्हिच थाउ शैल सफर ही नोस दैट ही नोस एवरीथिंग वेरी वेल फ्रॉम द बिगिनिंग इवन बिफोर दे केम इनटू दैट और स्मिरना के कलीसिया से वो कहता है कि जिन चीजों तू डर नहीं उन चीजों से जो कि तेरे पर आने वाली है क्योंकि शुरू से लेके ही प्रभु जानता था कि उन पर एंड ही नोज दैट सफरिंग इज नेसेसरी टू ब्रिंग देम टू देयर स्पिरिचुअल हाइट्स और प्रभु जानता था कि उनके लिए मुसीबतों में से गुजरना आवश्यक है ताकि वो अपने आत्मिक ऊंचे स्तरों में पहुंचे दैट वाज हिज अल्टीमेट एंड और वो ही उसका अंतिम इच्छा थी ही इंजीनियर्स ऑल दिस टू दैट गुड इन देयर लाइव्स और उसने ये सारी चीजें इसलिए लाई और इसलिए उनको गुजारा कि वो उस भलाई में ऑल थिंग्स वर्किंग टुगेदर फॉर दैट गुड और समस्त वस्तुएं कार्य करती हैं उस भलाई के लिए आमेन And so the church in Smyrna was not spared of sufferings. और इसलिए स्मिर्ना की कलीसिया को छोड़ा नहीं गया था कि वो उन मुसीबतों से बचे. You know, many a time the Christian mentality, the mentality of an average believer is that we are not to have sufferings in life. और बहुत सी बार एक औसतन मसीह लोग जो है उनकी यही विचारधारणा होती है कि हमने दुखों में से So the church in Smyrna was not spared from suffering. और उन दुखों से स्मिर्ना के कलीसिया को भी नहीं छोड़ा गया But the Lord said, "Do not fear what thou art about to suffer." और प्रभु ने कहा कि डरो नहीं कि जो चीजें मुसीबतें तुम पर आने वाली One thing we got to remind ourselves. एक चीज का स्मरण अपने आप को हमें कराना चाहिए That Satan cannot do anything without God's permission. के शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता. And that's one thing that we need to understand. और ये एक चीज है जो कि हमने समझनी है. But how careful we ought to be in this walk that we do not mess up things in our ways. और लेकिन कितनी सावधान हमें होना चाहिए कि हम अपनी इच्छा में इस चलन के अंदर अपनी वस्तुओं को ना मिला दें। We're talking about those who are living their lives into the lordship of the Lord. और हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने जीवनों को प्रभु के प्रभुत्व में सौंप देते हैं। Where he works all things. और जहां पर वो समस्त वस्तुओं को इस उद्देश्य से। When you're wanting to do his will. जब हम उसकी इच्छा को When you want to stand for the word of God and the testimony. और जब परमेश्वर के वचन और गवाही के लिए हम खड़ा होना चाहते हैं. When you desire nothing but his will. और जहां पर हम निर्णय लेते हैं हम कुछ नहीं करेंगे परंतु उसकी इच्छा कर पूरी करेंगे. You go through things. और तब मुसीबतों में जाना पड़ता है. All things are going to work for that good. और Satan cannot do anything without God's permission. और परमेश्वर की इजाजत के बिना शैतान कुछ भी नहीं कर सकता. Yes. And as it says here in verse 10, behold, the devil shall cast some of you into prison. और देखो शैतान तुम में से कुछों को कारागार में डालेगा. That he may be tried. कि तुम्हारी वहाँ परीक्षा हो. That he may be tried. तुम्हारी परीक्षा हो. He says, you may be thrown into prison, but it is a trial. और तुम्हें जेल में डाला जाएगा लेकिन ये भी एक परीक्षा के लिए That ye may be tried. कि वहां पर तुम्हारी परीक्षा हो. So we see that if you are, he says to the church in Smyrna, if you are being thrown into the jail because of your stand for my word and my testimony, it is only to try you. और प्रभु Praise कहता God. है कि यदि तुमको मेरे वचन और गवाही के कारण से जेल में डाला जाता है तो ये तुम्हारी परीक्षा के लिए होगा. It is only to try you. और तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के लिए होगा. How clear is the word of God? परमेश्वर का वचन कितना स्पष्टता से बतलाता है. That ye may be tried. कि तुम्हारी परीक्षा हो. There is something there good for you. और वहां पर तुम्हारे लिए कुछ भलाई है. There is something that I am working in your life. और वो कुछ ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे जीवनों में कार्य कर रहा हूं. That you know it says that ye may be tested and proved and critically appraised.
the amplifier says. और विस्तारित अनुवाद की बाइबल कहती है कि ताकि तुम्हारी परीक्षा हो, तुमको मान्यता प्राप्त हो और सबूत पैदा हो. And we see in the life of Paul. और पौलुस के जीवन में हम देखते हैं. Even when he was thrown into the jail, और जब के उसको जेल में डाला गया था, we read in Philippians chapter 1 how it turned out to be. और फिलिपियों और उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि Paul very clearly says that here. और पौलुस यहाँ स्पष्टता से कहता है, chapter 1, पहला अध्याय, verse 12. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. What a tremendous thing. Wonderful. So Paul makes it very clear that his being put in a jail was a trial, of course, for him, but also for the help, for helping others in the Lord. तो पौलुस यहाँ पर स्पष्टता से कहता है कि उसको जेल में डाला गया वो निसंदेह मेरी परीक्षा के लिए था, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की. Now let me just read it from the Amplified. It's tremendous, stirring, encouraging. Now I want you to know and continue to rest assured, brethren, that what has happened to me, this imprisonment, has actually only served to advance and give a renewed impetus to the spreading of the good news of the gospel. Praise God. Verse 13, so much is this effect that throughout the whole imperial guard and to all the rest here, my imprisonment has become generally known to be in Christ, in that I'm a prisoner in his service and for him. Verse 14, and also most of the brethren have derived fresh confidence in the Lord because of my chains, and are much more bold to speak and publish fearlessly the word of God, acting with more freedom and indifference to the consequences. Tremendous, isn't it? So wonderful to see how it all happened to be for the further. It is a trial, the Lord said to Smyrna. और स्मरणा को प्रभु ने कहा कि ये परीक्षा है. For your trial. तुम्हारी परीक्षा के लिए. And it's going to bring in something far precious in your life. और इससे आपके जीवन में कुछ बहुत ही बहुमूल्य कार्य. It was to sanctify Paul. और ये पौलुस को पवित्र करने के लिए था. To convert a number of Paul's jailers. और पौलुस के जो जेलर थे उनको बदलने के लिए था. To give Paul opportunity to write his epistles. और पौलुस को ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि वो अपनी पत्री लिखे. And to fearlessly preach the word of God. और निडर होके परमेश्वर के प्रचार. That many others may be able to fearlessly preach the word of God. ताकि बहुत से दूसरे लोग भी निडर होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें. Saints. परमेश्वर के पवित्र लोग. I'm encouraged in my own heart. मैं अपने हृदय में उत्साहित हुआ हूँ. The Lord is able to turn the tables on Satan. और प्रभु इस योग्य है कि वो शैतान को उलट दे. Amen. The Lord is able to turn the tables on Satan. और प्रभु इस योग्य है कि वो सारा उलट कर शैतान के विरुद्ध. In such a way that everything would truly work for the fulfillment of the divine purpose. और ऐसे इस प्रकार से कि समस्त वस्तुएं जो हैं उसके उस ईश्वरीय उद्देश्य के. Now, having said that, I want to tell you one thing. और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं. It is the Lord who decides the length of the time that his children will have to undergo sufferings. और ये प्रभु ही है जो के निर्णय लेता है कि कितने समय की अवधि के लिए उसके बच्चे मुसीबतों में. I want to encourage you. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. You and I may go through trials. आप और मैं परीक्षाओं से गुजर सकते हो, मुसीबतों में से, परिस्थितियों में से. But परंतु it is God who decides the length of our time.
ये परमेश्वर ही है जो निर्णय लेता है कि हमारे दुखों का समय कितने लंबा है। Amen, brother. I am fired up in my heart. और मैं अपने हृदय में उत्तेजित। It is the Lord who decides. और ये प्रभु ही है जो कि निर्णय लेता है। It's not in the hands of man. और ये मनुष्यों के हाथ में नहीं है। Remember that. इस बात को स्मरण करें। Man may say. मनुष्य कह सकते हैं Man said, I have the authority. कि मेरे पास अधिकार And Jesus said, you don't have that. और प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे पास तो अधिकार है नहीं जब तक It is given to you. तुझे ऊपर से ना You don't have any authority. आपके पास कोई अधिकार Unless my father will give it to you, you have absolutely no authority. And saints, this is something that we must really closely guard in our hearts. That it is the Lord who has to decide about our sufferings, our tribulation, our situations. ये प्रभु ही है जिसने निर्णय ले रहा है हमारी मुसीबतों में हमारे संकट में. When we go through it according to His will. और जब हम उसमें से उसकी इच्छा अनुसार. When we suffer according to His plan. और जब उसकी योजना के अनुसार हम उसमें से मुसीबत. And you see one tremendous verse. I'm encouraged by that word again. और एक अद्भुत वचन और है मेरे को बड़ा मैं उत्साहित हुआ उससे. I'm just finding out whether my time is over or not. It's not it. Matthew 24. मत्ती की पुस्तक 24वां अध्याय. Matthew chapter 24. मत्ती 24. You know where I'm going to turn. Sometimes I get so lost inside this daily life I'm living, but I know that He will lift me up into His arms. And sometimes I get so frightened by the things that pass around me, but I know that He will keep me safe within His arms. And when my faith is faltering, and when my vision fails, even when my ear is deaf, my God still prevails. And then I feel His guiding hand set me on my feet again, I can walk once more safe within His care. He's the light that daily guides me, keeping me from every harm. And even though I may not see Him, I am safe within His arms. And when the battle around me rages, when my soul is in alarm, He's the fortress that I run to, safe within His arms. And sometimes in my wanderings I get entangled in a snare, but when I call upon the Lord, He is faithful to be there. And then I feel His guiding hand set me on my feet again, so I can walk once more safe within His hand. I won't walk by what I'm seeing, all my fears He will disarm. I won't be led by what I'm feeling, I'll walk safe within His arms. When I'm led by His Holy Spirit, I am safe within His arms. 'Cause when I'm led by His Holy Spirit, I am safe within His arms. 'Cause when I'm led by His Holy Spirit, I am safe within His arms.